नागौर जिले के प्रभारी मंत्री वन विभाग पर्यावरण मंत्री ने आज मकराला नगर प्रसिद्ध कार्यालय के सभागार में खंड के अधिकारियों की वो जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली। वहीं आपको बता दें कि बैठक में मकराना उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी सहित उपखंड के अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान मंत्री ने कहा कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जनता की समस्या का हल नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का असामाजिक तत्वों द्वारा बलात्कार करके जलाकर हत्या करने का साजिश अति दुखद है, जिसको लेकर नागौर जिले के कर्मचारी में आम नागरिकों में भारी आक्रोश है। वहीं हत्यारों को बिना कोर्ट में सुनवाई के सरेआम फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कुचामन उपखंड कार्यालय के सोमवार को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। जनपद हरदोई के कोतवाली हरपालपुर में 8 अगस्त को मकान कब्जादारी को लेकर चाय विक्रेता के विकास मिश्रा की पीट पीट कर दबंगों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या में 9 लोगों को नामजद किया गया था। हत्याकांड में 7वें आरोपी राम बाबू को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवरिया कोतवाली अंतर्गत शहर के जैन रोड पर स्थित एक विद्यालय वाहन चालक ड्राइवर ने कक्षा 2 के छात्र के साथ छेड़छाड़ की। वहीं बच्ची जब घर पहुंची तो उसने अपनी बीती परिजनों को बताई। परिजनों ने ड्राइवर का पीछा कर ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पकड़कर कोतवाली लाए और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। क्या हुआ है लड़की के साथ? बच्ची बहुत छोटी है तो एक ड्राइवर था, घर आई है रोते रोते, कोई जान नहीं रहा था, घर आई है रोते रोते तो बताई है ऐसी ऐसी बात है कि गाड़ी से आ रहे थे और ड्राइवर जो है वो पीछे बैठी थी और आगे बुलाई है, बुलाया है आगे और बोला है कि आओ तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। उसके जांघ पे हाथ रखा है, पीठ पे हाथ रखा है, चारों हाथ रखा है और बोला चुम्मा दो चुम्मा दो ऐसे करके छेड़खानी का गलत काम किया है। गलत काम किया है मतलब बहुत छेड़खानी किया है। क्यों छेड़खानी? किस स्कूल की है बच्ची? स्कूल का नाम है लिटिल फ्रॉ चिल्ड्रेन एकेडमी। किस क्लास में पढ़ती है? सेकंड क्लास में पढ़ती है। ठीक है, आपका नाम? आशुतोष मिश्रा। क्या लगेंगे बच्ची के? मामा उसका। आज थाना कोतवाली देवरिया क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल के बस चालक द्वारा एक 7 साल की लड़की जो क्लास 2 में पढ़ती है उसके साथ अश्लील हरकत किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। लड़की के पिता ने इस संबंध में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया है। 354 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके जो बस का ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। सितारगंज में ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी में हो रहे निर्माण को लेकर लोगों की शिकायत जांच में झूठी पाई गई। लोगों की शिकायत पर प्राधिकरण की टीम और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर जांच की तो पाया गया कि जो निर्माण हो रहा है उसका नक्शा एकदम बिल्कुल सही है। और वहीं आपको बता दें कि नक्शा पास किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग निर्माण हो रहा है। निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है और बार बार इसको लेकर सीएम पोर्टल में भी लोगों द्वारा शिकायत की थी। इसको लेकर जांच के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी जो प्राधिकरण की टीम है और साथ ही राजस्व विभाग की टीम है तो हम लोग सब लोग यहाँ पर आए। जांच के बाद ये पाया गया कि जो निर्माण किया जा रहा है ये पूरी तरीके से नक्शा इसका पास है और जो नक्शा पास किया गया उसी के अकॉर्डिंग निर्माण किया जा रहा है। तो जो शिकायत की गई थी शिकायत का द्वारा झूठी पाई गई और शिकायत करता स्वयं भी बुलाने पर यहाँ पर फंसे कभी नहीं हुआ। सर मैम जो यहाँ पे नाला है वो मेरे साथ उपस्थित है अभी यहाँ पर, उनको उन्होंने खुद ये जानकारी मिली थी कि पूर्व पैमाइश के बाद ये चीज़ें पाई गई हैं तो उसमें जो भी हमारी आगे कार्रवाई होती है तहसीलदार सिद्धारगंज को निर्देशित कर दिया गया, वो अपने सर्विस में आगे उसको हटाने के लिए नाला खोलने के लिए कार्रवाई करेंगे।